आपने मुझे सरकार के अंतिम बजट सरकार का पांचवा बजट, उससे पहले भी बहुत सारे बजट अनुपूरक के रूप में आए हैं। बजट तो बहुत पेश हुए हमने पिछले चार साल में देखे हैं, पर जमीन पर काम नहीं दिखाई दिया। यहां पर एक चर्चा बहुत लंबी चौड़ी हो रही है, उधर वाले बोलते कि आपने कुछ नहीं किया, वो बोलते हमने कुछ नहीं किया। और इत्तेफाक देखिए कि चौथी सरकार अब भाजपा की चल रही है, चार बार सरकार आपकी चली, चार बार हमारी सरकार चली, बराबर हो गए चारों दिन। और हिंदुस्तान में चौथी सरकार भाजपा चल रही है, वो कहते 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं है। सबकी सरकार चार चार बार चली, पर सबसे कम समय हमें मिला सरकार चलाने का, ओनली 7 साल। और 7 साल की सरकार में बहुजन समाज पार्टी के नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो काम किए वो सब लोग याद करते हैं। हमारे साथी जेवर एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, जेवर एयरपोर्ट लेकर कौन आया? बहुजन समाज पार्टी आता बना नहीं है, सब उसकी दुआई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के शासन काल में 7 मेडिकल कॉलेज, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 होम्योपैथिक कॉलेज, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 2 पैरामेडिकल कॉलेज, 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, 200 से अधिक डिग्री कॉलेज, 200 से अधिक इंटर कॉलेज, 572 हाई स्कूल, 5549 से अधिक प्राइमरी स्कूल, 100 से अधिक ITI खोले, 6 नए मंडल बनाए जो आज तक कोई नहीं बना पाया, 24 नए जिले बनाए जो आज तक कोई नहीं बना। और जब 24 जिले बनेंगे तो 24 DM आएंगे, 24 SSP आएंगे, और कितने सारे तहसीलदार, कितने पटवारी आएंगे, सब लोग आकलन कर सकते हैं। माननीय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस बजट में ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो हम लोगों ने करके दिखाया है। पुलिस लाइन 23, ARTI ऑफिस 23, डाइट 23, 45 से अधिक नई तहसील। और सरकार बार बार सफाई पे बहुत ध्यान दे रही है, स्वच्छता का बड़ा नारा लगाया जाता है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हर बजट में आता है स्वच्छता। ये सफाई का काम, स्वच्छता का काम तो हमारे नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज से 12 साल पहले 109 सफाई कर्मचारी भर्ती करके दिखा था कि ऐसे सफाई कर्मचारी भर्ती होते हैं। 1,09,000 जो आज तक कोई नहीं कर पाया। इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और आपसे माननीय कहना चाहते हैं, सफाई के साथ साथ 2 इंटरनेट एयरपोर्ट, 2400 सामुदायिक केंद्र, 28,419 से अधिक अम्बेडकर ग्राम का विकास हुआ। और आज लोग बात ये मकान की बात करते हैं, पर मकान देने की बात करते हैं, मकान नहीं दे रहे हैं, ये पैसे देते हैं, उस पैसे में भी घपला होता है। और ये सब लोग जानते भी हैं, हमारी सरकार में परम पूज्य माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने परम माननीय साथ श्री काशी राम जी के नाम से शहरी योजना चलाकर पक्के मकान बनाकर दिए जो आज जमीन पर खड़े हुए हैं। छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में, चाहे ऊर कस्बा हो, झिंझाना हो, शामली हो, बड़ौत हो, बागपत हो, पूरे प्रदेश में पक्के मकान बनाकर दिए हैं। आज विकास की बात कर रहे हैं लोग बात, और ये कहते हैं कि पहली सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। 24 साल हो गए हैं, और हम लोग जो राम के अनुयायी हैं, जो राम को पार उतारने वाले हैं, हम केवट कश्यप निषाद, केवट मल्ला माझी, मझवार समाज के लोग जो संकट के समय में श्री रामचंद्र जी के साथ रहे हैं, आज उनकी नाव को प्रयागराज में तोड़ा जा रहा है। ये किसकी सरकार तोड़ रही है? हमने तो उनका साथ उस समय दिया जब उनको जरूरत थी, और आज हमें किनारे लगा रहे हैं। अगर इस सदन में हम बोल पा रहे हैं, इस सदन में अपनी बात को उठा पा रहे हैं, तो भाजपा की वजह से नहीं, हम इस सदन में आज से नहीं, 1998 से लगातार बैठे हुए माननीय बहन कुमारी मायावती की वजह से। सभापति महोदय, तो आपसे कहना चाहते हैं, सरकार सिर्फ वादे करती है, घोड़े करती है, और जो बजट पड़ा है, जो बताया गया है, प्रस्तावित है, हो जाएगा, हो रहा है, एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, जो नोएडा से आरवे जोड़ता, किसने बनाया? माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया, और सबसे ऊंचे एक्सप्रेसवे बनाया, और उसमें उत्तर प्रदेश का 1 रुपया भी नहीं लगा, प्राइवेट एजेंसी बनवाया। ये लोग बेचने की बात करते हैं, इन्हें छोड़ा क्या है? हमारे देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर एयरपोर्ट था लखनऊ के अंदर, उसके ऊपर भी इन्होंने अडानी का नाम लिखवा दिया है। ये कुछ छोड़ने वाले नहीं है, ये पूरा देश बेचने में लगे हैं। लाल किला हमारे पास नहीं बचा, बिस्ल हमारे पास नहीं बचा। माने हम तो वैसे कम बोलते हैं, पर आपके माध्यम से हमारी छोटी सी डिमांड है, आपके माध्यम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमने राम की नाव को पार लगाई, और राम के नाम पर आपने सरकार बनवाई। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी बहुत लंबी डिमांड है, जो बहुत लंबे समय से लंबित पड़ी है। हम कश्यप निषाद, केवट मल्ला,
सामाजिक मझवार समाज, राजभर प्रजापति भर राजभर, इन सब जातियों का एक बहुत लंबे समय से विचाराधीन है। हमारी SC में शामिल होने की मांग है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा कोटा OBC में है, चाहे 15% हो 16% हो, उसको निकाल के आप SC में शामिल कर दीजिए, ताकि हम भी आपका गुणवान करें और हमें भी रामपुर पार्वत आ रहा है, हमने आपको वोट भी दी है, तो हमारा भी कुछ भला हो सके। हम चाहते हैं कि सरकार आपकी जाने वाली है, अरे जाते जाते एक काम तो कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय द्रौपदी। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।